साथियों नमस्कार, फार्मेसी लीडर चैनल पे आपका बहुत ही स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट डॉक्टर एल एस आर एस। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे बालों से जुड़ी हुई समस्या है। आजकल आप देख रहे हैं कम उम्र में व्यक्तियों के बाल सफेद हो रहे हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। इसके बहुत बहुत सारे कारण है, एक वायु प्रदूषण के कारण भी ये बहुत सब हो रहा है, दूसरा थोड़ा खान पान, और ये तीसरा जो है मिलावट का असर है। हर चीज में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे खेती हो या बहुत सारी और भी चीजें हो। पहले ऐसा सब नहीं था, तो इसका निदान क्या है आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और कोशिश करेंगे कि इसका समाधान खोजा जाए। तो आज हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे वो इसी समस्या का समाधान है। कम उम्र में बाल यदि आपके सफेद हो जाते हैं और बाल काले नहीं होते हैं तो तनाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, यानी कि सफेद बाल जो है कम उम्र में तनाव को उत्पन्न करते हैं। अब इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए क्या करना है आपको, आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे वो क्या है, सफेद बालों को काला करता है और एक तरह से जो है नेचुरल है, पूर्ण से नेचुरल तो नहीं है, एक तरह से उसको नेचुरल कह सकते हैं। और ये कैसे लगाना है, कब लगाना है, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और यदि आपको वीडियो समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। तो आज हम बात करेंगे एके ठकराज की चंदन मिक्स खादी हर्बल मेहंदी के बारे में, जो NISO 9001 और -2008 सर्टिफाइड कंपनी है, जो बालों को प्राकृतिक काला करने के लिए जो है ये खादी हर्बल मेहंदी के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। और ये जो है रियल पैक है, तो टू मेक द हेयर नेचुरल ब्लैक, खादी हर्बल मेहंदी ये इसका वो है। अब इसके अंदर जानेंगे कंटेंट क्या है इसके अंदर। तो ये जो है हरियाणा खादी ग्राम उद्योग का एक प्रोडक्ट है और जिसकी मार्केट में जो कीमत है 75 ग्राम का ये पैक है और इसकी कीमत जो है 64 रुपए है, 64 रुपीज इसकी कीमत है, और ये 75 ग्राम का एक पैक है। अब इसके अंदर सबसे पहले जानते हैं कंटेंट्स क्या होते हैं। तो दिस मेहंदी पाउडर कंटेंट्स मेहंदी लीव्स पाई जाती है इसके अंदर, पैराफिनाइलिन डाइअमीन पाया जाता है इसके अंदर, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, सोडियम सल्फाइड पाया जाता है, ड्राई हीना पाई जाती है, ड्राई हीना पाउडर एंड चंदन पाउडर इसके अंदर पाया जाता है, पैराफिनाइलिन डाइअमीन आफ्टर डाइल्यूशन नॉट मोर देन 2.5% इसके अंदर पाया जाता है। ये एक्सटर्नल यूज के लिए होता है, एक्सटर्नल यूज का मतलब होता है बाहरी प्रयोग के लिए। अब ये आपको लगाना कैसे है, तो इसको आपको क्या करना है, बालों को काला करने के लिए एक तरह से एक पेस्ट बनाना है। थोड़ा सा पानी लें, उसमें एक कटोरी में इसको ले लें और मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, एक टेस्ट करना है। आपको कानों के ऊपर जो है थोड़ी सी उस पेस्ट को लगाना है, कान के थोड़ा सा ऊपर, और एक घंटे तक वेट करना है। यदि इस एक घंटे के अंदर आपको कोई एलर्जी नहीं होती है या स्किन पे कोई एलर्जी होती है, रैशेस होते हैं, दाने होते हैं, चकत्ते बन जाते हैं, तो आप इस मेहंदी का इस्तेमाल ना करें। वैसे नो रेयर साइड इफेक्ट देखे गए हैं, अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, फिर भी स्किन वेरी करता है। यदि किसी को ऐसी समस्या होती है तो इस मेहंदी को ना लगाएं, और यदि ये समस्या नहीं होती है तो इस पेस्ट को बालों पे लगा लें। बालों पे लगाने के 20 मिनट के बाद पानी से बालों को धुल लें और जहां जहां आपके सफेद बाल हैं वहां वहां इस पेस्ट का इस्तेमाल करें, तो 20 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपके बाल पहले की तरह नेचुरल हो जाएंगे, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस का अनुभव करेंगे और जो सफेद बाल हैं वो समस्या आपकी छुप जाएगी। और ये सब जो है 15 से 20 दिन के बाद फिर आप रिपीट करें, ये सब प्रक्रिया चलती रहेगी। ये इसके यूजित थे, यानी कि बालों को काला करने के लिए पेस्ट इस तरह से इस्तेमाल होता है। और अब इसके यूजेज हम जान चुके हैं, यूजेज वही है बालों को काला करने के लिए। अब इसके साइड इफेक्ट जानते हैं। तो इसके वैसे तो ये एक नेचुरल है, हर्बल है, फिर भी अगर इसके कोई साइड इफेक्ट आते हैं तो स्किन एलर्जी हो सकता है, स्किन पे जलन हो सकता है, घाव बन सकता है। तो यदि ये सब आता है तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें और तुरंत डॉक्टर से मिलें। ये सब इसके वो थे। अब ये लगाना किसको है, छोटे बच्चों को इसको नहीं लगाना है, मेल या फीमेल यानी कि पुरुष या महिलाएं, लड़के लड़कियां इसको कोई भी लगा सकता है जो सफेद बालों की समस्या से पीड़ित है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, इसको लगाने के बाद बालों को लगता नहीं है कि आपने बाल काले किए हैं, मतलब कोई समझ नहीं पाएगा कि बाल आपके काले हैं या नेचुरल हैं। तो ये खादी हर्बल मेहंदी की सबसे बड़ी खासियत है कि बाल काले होने के बाद
बिल्कुल भी लगता ही नहीं है कि क्या कहते हैं बाल आपके पहले सफेद थे, तो एक तरह से पूर्णतः नेचुरल रखते हैं बाल, तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। तो साथियों यदि आपको लगता है कि आप सफेद बालों की समस्या से पीड़ित हैं तो इस पैक का आप इस्तेमाल करें, और ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट के थ्रू भी आप इसको मंगा सकते हैं और वैसे भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो यदि आप सफेद बालों की समस्या से परेशान हैं तो निराश ना हो, खादी हर्बल मेहंदी का इस्तेमाल करें जो एक ठकराल मिक्स चंदन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। यदि आपको लगता है कि किसी चीज पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए पुनः धन्यवाद।